महंगाई से किसानों को फ़ायदा हो रहा है किसानों को फ़ायदा नहीं हो रहा है किस बेवुकूफ नहीं कहती आप कहाँ से लाती इतना ज्ञान ईरानी सिलेंडर को लेके महंगाई 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 चिल्लाती रहती थी पेट्रोल डीजल सब के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ टमाटर जो वो एक सौ किलो हो चुका है लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता क्या राहुल जी मंदिर नहीं जाते क्या ममता जी मंदिर नहीं जाते क्या तेजस्वी जी मंदिर नहीं जाते पचास पचास रुपये दालों में बढ़ा दिए गए कोई दाल एक सौ किलो कोई डेढ़ रुपए किलो तो जनता खाएगी क्या तो ये सवाल डायरेक्ट किसानों से खरीदा जाता तो किसान तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करोड़पति एक एकमात्र ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मेरे भारत का किसान खुदकुशी बीच में जो दलाल है जो इनका फायदा होता है किसानों का और जनता का कोई फायदा नहीं होता नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद रिजवी जो कि सरकार को लगातार घेरने का काम करती है तमाम मुद्दों पर बुखर होकर बात करती हैं और सरकार को घेरती हैं तो इनसे आज हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर देश में महंगाई है और जनता त्रस्त है इसको लेकर मैम इस पर आप क्या सोचती हैं महंगाई को लेकर क्या कहना हाँ देखिए आज जिस तरह आप महंगाई देख रहे हैं वो तो लगातार सन दो हज़ार चौदह के बाद बढ़ती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ को मेन मुद्दा बनाकर आई थी वो यही हुआ था ना अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत हुई महंगाई की मार इसी तरह के स्लोगन थे और जिस तरह स्मृता ईरानी सिलेंडर को लेकर महंगाई 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 चिल्लाती रहती थी जब मात्र साढ़े तीन सौ पौने चार सौ का सिलेंडर था और इस वक्त सिलेंडर जो है वो ग्यारह सौ पचास का है और जैसे अभी आप टमाटर के रेट देख देखिए टमाटर जो है पेट्रोल से ऊपर जा रहा है मैंने पेट्रोल डीजल सब के रिकॉर्ड तोड़ता हुआ टमाटर जो वो एक सौ किलो हो चुका है लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता क्योंकि ये जो देश है ना ये भक्ति पर ज़्यादा चल रहा है भक्तों पर ज़्यादा चल रहा है तो भक्त खुश हैं कि भाई मोदी जी हैं भारत में विश्व में हर जगह हमारा डंका बज रहा है तो जहाँ चार टमाटर का काम था वहाँ पर आधा टमाटर से काम चला लेंगे लेकिन महंगाई उनको नज़र नहीं आएगी क्यों नहीं जा नजर नहीं आती वो बाजार नहीं जाते क्या हो? वो नहीं, नहीं खाते खा नहीं ना? नहीं जब जब इंसान एक है ना कि एक भक्त बन जाता है तो उसको कुछ नज़र नहीं आता वो आका और गुलाम वाला रिश्ता हो चुका है तो उनको लगता है कि हमारे आका है मेन बात ये नहीं है कि मतलब सरकार किसके पास है आप ये देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाहे कांग्रेस है कांग्रेस किसी मतलब अदर कम्युनिटी की पार्टी तो नहीं है कांग्रेस भी मेरे नॉन मुस्लिम समाज की है चाहे केजरीवाल की सरकार है चाहे आप उत्तर प्रदेश की सरकार देख लीजिए अखिलेश की सरकार तेजस्वी की सरकार माया की सरकार ममता की सरकार जो भी सरकारें रही हैं चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में तमाम की तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों के पास है लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह का मिजाज बना दिया है चौदह के बाद कि ऐसा लगता है कि मोदी जी हैं तो हिंदू है मोदी जी हैं तो हिंदू राष्ट्र बन सकता है मोदी जी हैं तो तमाम धर्मों को मतलब एक तरह से मिटाकर सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है जबकि तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं क्या राहुल जी मंदिर नहीं जाते क्या ममता जी मंदिर नहीं जाते क्या तेजस्वी जी मंदिर नहीं जाते तो ये चीज So, दिखावा करते हैं मंदिर जाने का मोदी जी पूजा करते हैं नहीं 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 दिखावा मोदी जी करते हैं वो लोग सच में जाते हैं उन लोगों की तो कोई वीडियो कोई फोटो वायरल नहीं होता तो ये जिस तरह भक्ति के चक्कर में भारत बर्बाद हो गया और भारत की जो आप ये देखिए कि एक जो हमारे यहाँ के लेबर क्लास हैं जो चालीस रुपए पचास रुपए भी रोज नहीं कमा पाते आप उनसे पूछिए कि वो टमाटर कैसे लेंगे वो तेल कैसे लेंगे वो सिलेंडर कैसे लेंगे तो उज्ज्वला जो इन्होंने एक स्कीम शुरू करी थी जिसमें सिलेंडर बांटे थे मोदी जीने, वो तमाम सिलेंडर कूड़े कबाड़ में बेच दिए गए क्योंकि एक बार तो उन्होंने भरवा लिया उसके बाद वो महंगाई है जो लेबर क्लास है उनको क्या चाहिए होता है दो वक्त का खाना चाहिए होता है और एक सही सा रहना चाहिए होता है उसके अलावा तो उनका कोई मतलब नहीं होता कोई तो होते सरकार चला रहे होते हैं और अगर यही चीजें महंगी हो जाए आपको पता है दालें अभी भी 50 -50 दालों में बढ़ा दिए तो 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 मौसम, मौसम हरी सब्जियां हो जाती महंगी इसमें सरकार क्या करे सप्लाई कम है तो सरकार का क्या लेना देवना? नहीं, 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 नहीं देखिए सरकार ये करे जैसे फिल्मों को टैक्स फ्री कर देती है ना हाँ। ऐसे ही सरकार इन सब्जियों को भी तो फ्री में कर सकती है सरकार इन पे आप सब्सिडी लगा दे अपना अपनी तरफ से दे दे कि अगर टमाटर 130 सौ हैं तो सरकार उसको तीस रुपये किलो दे दे सरकार ये तो कर सकती है मतलब जिस फिल्म से हमारा लेना नहीं है एक लेना नहीं दो क्या फिल्में कोई देश को उन्नति दे सकती हैं मतलब आप कॉपी खरीदने जाते हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं आप कलम खरीदने जा रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं आप पेंसिल खरीद रहे हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं आप टी शर्ट खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं आप साबुन कुछ भी खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं लेकिन आप फिल्म टैक्स फ्री कर रहे हैं जिनसे समाज को कोई फायदा नहीं होता तो सरकार ये अगर सरकार बाकी देश हित में काम करे और बाकी चाहती कि जनता पेट भर खाना खाए तो सरकार चाहे तो इन टमाटरों के ऊपर अपनी तरफ से छूट दे सकती है अपना घाटा कर सकती है आप ये देखिए मीम बन रहे हैं महंगाई से, से किसान महंगाई से किसानों को फायदा हो रहा है किसानों को फायदा नहीं हो रहा किस बेवकूफ ने कह दिया आप कहाँ से लाती है इतना ज्ञान किसानों के से फायदा हो जाएगा ये टमाटर तो बेच दिए जाए ये इनको फायदा बीच में दलालों को हो रहा है जो वहां से लेकर आ गए जैसे अंबानी है अदानी है दूसरे लोग हैं जो टमाटरों को किसानों से लेकर आ गए उनको फायदा रहा जो मंडी में जो इनको प्रिजर्व करके कर रख रहे हैं किसान से तो ये पचास पैसे किलो खरीदा जाता है मैम पोर्ट खरीदी जाती है आठ रुपए की सात रुपए की किसान चाहे आलू हो चाहे आम हो चाहे सब्जी हो चाहे गेहूं हो चाहे गन्ना हो वो तमाम बिल्कुल कौड़ियों के मोल देता है चाहे प्याज हो उसको तो पैसा मिलता भी नहीं शुगर मिल में जब गन्ना देने जाता है तो दो दो साल की उसकी पेमेंट फंसी रहती तभी तो किसान खुदकुशी करते हैं अगर ये टमाटर डायरेक्ट किसानों से खरीदा जाता तो किसान तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करोड़पति होते आप देखिए हर साल प्याज जो है वो सौ रुपए पार हो जाती है आप देखिए सरसों का तेल पार हो जाता है दालें पार हो जाती है लेकिन मेरे भारत का किसान वहीं का वहीं गरीब का गरीब रहता है किसान आज भी खुदकुशी करके मर रहा है एक किसान जो अपने बच्चों के पास जो जाता है छोड़ के जाता है खुदकुशी करके जाता है तो क्या छोड़कर जाता है कर्जा छोड़कर जाता है मतलब किसान खुदकुशी कर रहा और अपने बेटे से कह के जाता है फलाना का बीज वाले का इतना है 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 चुका दियो फिर बेटा भी खुदकुशी कर लेता आपको मालूम दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा मुल्क सबसे ज्यादा मेरा अन्नदाता मेरे भारत का किसान खुदकुशी करता है और ये वही किसान है जिसके लिए भारत में नारा है कि जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया और वही किसान इतना परेशान है उधर किसान परेशान है इधर जनता त्राई माम त्राई माम कर रही कि टमाटर महंगा है तो यह महंगा है तो बीच में जो दलाल है जो इनका फायदा होता है किसानों का और जनता का कोई फायदा नहीं होता तो जैसा कि आपने साफ तौर पर सुना कि किसानों का कोई फ़ायदा नहीं है ये दलालों का को फ़ायदा हो रहा है किसान और आम जन तो त्रस्त है महंगाई से वो रो रहे हैं इस बात से और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए उससे ध्यान देना चाहिए कि सब्जियां जो हैं वो हरी सब्जियां या जो भी महंगाई बढ़ रहा है वो सरकार की गलती है कैमरामैन बॉबी के साथ ब्यूटी गिरी जनहित आवाज़